बड़ा माने रखता है। ये मतलब है भाई, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपना आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने से आप लोग रोकने के लिए, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए अगर मैं बता दीजिए। देखिए दिवाली साहब, देखिए दिवाली साहब, यही पे जन्माष्टमी होती है, यही पे तमाम सारी चीजें होती है। समाप्त करने का ठीक है, लेकिन ये जो हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो जिले में रहने लायक है, वो जिले में उनको सजा होनी चाहिए, वो किसी को पूजा अर्चना से उनको सजा होनी चाहिए। ऐसे कप्तान ये वीडियो बनवा रहे हैं इनका जो है, जो बिल्कुल बना रहे, यही यही है फोर्थ पिलर, यही है फोर्थ पिलर। नहीं नहीं वीडियो बनेगा और ये दिखाइएगा आप लोग, ये कह रहे वीडियो बनवा रहे हैं, वीडियो हम बनवा रहे हैं, वीडियो हम नहीं बनवा रहे सर, हम वीडियो नहीं बनवा रहे। नेतागिरी की वजह से कर रहे हैं सर, किसी को नमाज पढ़ने से रोक रहे, नेतागिरी की वजह से कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, हमको रोका कह रहे हैं, पीड़ित हम है ना, पीड़ित हम है, आप गलती भी हो गए, आराम से बात कर रहे हो, चलिए आइए बात करते हैं, कभी आराम से ना रोको, आप रोक रहे हो, आप रोकने वालों में से हो, और उसी संविधान से आप है, उसी समय उसी संविधान से आप है, जिस संविधान ने क्या हुआ है, नमाज पढ़ने से रोका है आपने, नमाज पढ़ने से आपने रोका है, और ऐसे अधिकारी 24 घंटे जिले में रहने लायक नहीं है। रोक दे और हम मान जाए इसकी बात, बस इतना है। हाँ भाई, और ऊंची आवाज बात ना करा जाए इनसे। हाँ हाँ, बाहर कॉन्स्टिट्यूशन का सारा हवाला यही लोग देना जानते हैं, संविधान संवैधानिक है, संवैधानिक है, अरे ये भी संवैधानिक था, बता दे ये संवैधानिक था क्या जो इन्होंने आज किया, उन्होंने इस सेकुलर कंट्री में, हिंदुस्तान जैसे धर्म निरपेक्ष मुल्क में, उन्होंने हमको नमाज पढ़ने से रोका, ये एक सरकारी कर्मचारी। कहाँ आओ दोनों लोग, एक मिनट की बाइट ले लेते हैं। हाँ ठीक है, अरे चल रहे भाई, चल रहे, क्या हुआ, क्या चल रहा है, चलिए आप लोग चले आ रहे हैं, अरे क्या करें, गिरफ्तार करेंगे, जेल भेज देंगे, और क्या, लाठी मार देंगे, चाटो और क्या करेंगे, चला आइए बाहर ले लीजिए, बाहर बाहर भाई, बाहर ले लीजिए बाइट, बाहर बाहर, यही है, यही हो गया, फालतू बकवास ना करो, मैं अब कर दिया, अच्छा हम बोलने से भी रोक देंगे, आप जा बाहर, अच्छा आप बोलने से रोक देंगे, अभी तक नमाज पढ़ने से रोक दिया गया, आप बोलने से रोक देंगे, यानी कि दूसरा फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार से भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास वर्दी है, ताकत है, पावर है, नहीं बोलूंगा भाई मैं, रोक नहीं सकता, बाहर रहिए, बस रहिए, सब लोग तैयार रहिए, तैयार रहिए, बात करना वो बात करिए, सब बात और हमको बोलने से रोक दे, हमको नमाज पढ़ने से रोक दे, कल को स्कूल में बच्चों को आने से हमारे रोक दे, आटा चक्की पिसाने से रोक दे, परिसर हमारा है, परिसर इनका है, भाई बाहर बाइक बाहर लीजिएगा, बाहर यही रहना, इनके पास खो जाते हैं तो हम ही लोग भाग के आते हैं।